श्रीमान गार्ड निचड़ को तैयार है। आज अगर अभी हो तो उसका फोटो स्टेट किसी से करा देंगे, सबको दे दीजिएगा। हत्याएं हो रही है और प्रदेश सरकार उस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये आप कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि घटनाओं के बाद और जितना त्वरित तरीके से सरकार ने कठोर फैसले लिए हैं, उसी का परिणाम है कि अपराधी प्रदेश को छोड़कर भागने का काम कर रहा है। आप तमाम रिपोर्ट है, अब उसका हवाला मैं यहाँ देना नहीं उचित समझ रहा हूँ, लेकिन तमाम ऐसे आंकड़े हैं, तमाम ऐसी रिपोर्ट हैं जो ये प्रमाणित भी करती हैं, ये साबित भी करती हैं कि आज लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसले लिए हैं उसका अनुसरण देश के अन्य सूबे भी कर रहे हैं, अन्य प्रदेश भी कर रहे हैं। आपने कहा कानून व्यवस्था बाद में, घटनाओं के बाद में खुलासे हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, पर क्या रोक पाने में सरकार सक्षम नहीं है? पूरी तरीके से रोक पाने में सक्षम है सरकार। कुछ लोग जानबूझ कर लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। आप अभी CEA के प्रकरण को आप देख लीजिए, अन्य भी दुनिया भर की चीज़ों को आप देख लीजिए। हाँ, आप कुछ आंकड़े को हमारे सामने रख सकते हैं। हमारी सरकार ने कहा कोई शिकायत लेकर थाने पर जाता है, पहले बात सुन लीजिए, कोई शिकायत लेके जाता है उसका तुरंत FIR लिखा जाना चाहिए। उसके लिहाज से कुछ पहले क्या होता था कि बड़ी बड़ी घटनाओं के भी FIR उत्तर प्रदेश में दर्ज नहीं हुआ करते थे। अब क्या है, कोई भी पीड़ित अगर थाने तक जाता है तो उसकी बात सुनी जाती है, उसका FIR दर्ज होता है। उसके लिहाज से आप देखेंगे तो हो सकता है कुछ आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हों, लेकिन अपना जो काम करने का तरीका है उत्तर प्रदेश की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, वो बड़ा ही स्पष्ट है। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, कोई पीड़ित थाने तक जाता है पहले उसकी बात सुनी जाए, उसका FIR दर्ज किया जाए, उसके बाद ही कोई काम करेगा। धन्यवाद।